हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छेना बर्फी की रेसिपी। बहुत ही झटपट हमारी छेना बर्फी बनके तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं छेना बर्फी को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1 कप पाउडर शुगर है, ये मेजरमेंट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम है। साथ ही मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं जिसे बारीक चॉप कर लिया है, कुछ इलायची के टुकड़े लिए थे मैंने, इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है। साथ ही लिया है 2 नींबुओं का रस। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। जब तक दूध में अच्छी तरीके से उबाल नहीं आ जाए तब तक हम इसको तपा लेंगे, और उबाल आने के बाद में हम इसे गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक हमारे दूध को ठंडा होने देंगे। तो आप ये देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है, और यहाँ हम गैस को बंद करके दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट मैंने ऐसे ही दूध को छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। तो जितना आपका नींबू का रस है उतना ही आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कीजिए। इस तरीके से जब हम दूध को फाड़ते हैं तो हमारा जो छेना है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें नींबू का रस ऐड करते जाएंगे और हमारा पूरा छेना अच्छी तरीके से फट जाएगा, पानी और दूध जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा छेना रेडी हो चुका है, और अब हम इसे एक कपड़े में छान लेते हैं। मैंने ये निकाल लिया है कपड़े के अंदर, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा साफ पानी डालेंगे, और साफ पानी से इसके अंदर जो नींबू की खटास है वो निकल जाए इस हद तक हम इसे साफ कर लेंगे। और इसके अंदर से जो निकला हुआ पानी है उससे आप आटा लगाइए, बहुत ही अच्छी इसकी रोटी बनती है। तो ये पानी आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। तो ये कपड़े में हम इसको थोड़ा सा बांध लेंगे और बांध के थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको दबा के पूरा पानी निकाल के और इसको हम थोड़ी देर के लिए हैंग कर लेंगे। कुछ आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है वो सारा पानी निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, और अब हम इसको एक कपड़े से निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेशर देते हुए मस लेंगे। हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, तब तक हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मस लेंगे। तो आप हथेली का यूज़ कीजिए, हथेली से ये बहुत अच्छी तरीके से क्रम्ब होता है और बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। तो इसको हम 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन 10 मिनट में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो जब तक आपके हाथों में घी आना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका छेना जो है वो अच्छी तरीके से फिट चुका है, बीट हो चुका है। तो ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है, और अब इसके अंदर हमने जो शुगर ऐड की ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद में हम इसे भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और जो हमारा छेना है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। तो ये देखिए एक गोला जैसा ये बनके तैयार हो गया है, और बस अब हम एक पैन के अंदर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो एक पैन को मैंने गर्म करने रख दिया है, उसके अंदर हम छेना और शक्कर जो है उसे ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है, बहुत ही झटपट ये बन जाता है, बहुत ही टेस्टी, मार्केट के कंपैरिजन बहुत ही सस्ती और शुद्ध, क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है उसकी खुशी भी कुछ एक अलग ही होती है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची का पाउडर, और फ्रेंड्स आप इसको सिर्फ 5-7 मिनट ही करिए, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी शुगर जो मेल्ट होगी तो वो क्रम्बल्ड हो जाएगी, और उसके बाद बर्फ़ी अच्छी तरीके से नहीं जमेगी। तो बस आप देख सकते हैं इस टाइम पर आप गैस बंद कर दीजिए और एक ट्रे ले लीजिए। उस ट्रे में मैंने थोड़ा सा उसे घी से ग्रीस कर दिया है, और उसके अंदर जो हमारा बर्फी का बैटर था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने सारा डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे, एक जैसा बर्फी का जैसा हम शेप देते हैं उस तरीके से लगा देंगे इसको। थोड़े से हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम को आप थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद उसको आपको काटने में भी आसानी होगी। तो थोड़े से बादाम इस पर डाल दीजिए, साथ में पिस्ता डाल दीजिए, और उसको इस तरीके से प्रेस करके पूरी तरीके से ठंडा होने तक छोड़ दीजिए। तो ये पूरा ठंडा हो चुका है, मैं इसे एक नाइफ की हेल्प से कट कर रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा इसका शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप बर्फी ना बनाना चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहती है, धीरे से आप इसे बाहर निकालिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी। तो अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो धीरे से हम इसको स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही ईजी रेसिपी है।
फ्रेंड्स, ये हमारी छेना बर्फी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल बताइए।